8 अप्रैल से बुध का महाराशि परिवर्तन। शत्रु के घर में बुध की दस्तक। मीन से मेष में बुध का जाना। क्या सुख साधनों में करेगा कमी? क्या करेगा धन हानि? बुध का गोचर 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का यानी कि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ग्रहों का महाराशि परिवर्तन। जी हाँ, इस 8 अप्रैल से बुद्धि धन धान्य के सबसे बड़े कारक माने जाने वाले, मालिक कही जाने वाले बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब तक बुध ग्रह अपनी नीच अवस्था में थे, लेकिन इस 8 अप्रैल के बाद बुध ग्रह अपनी शत्रु राशि में जा रहे, यानी कि मीन से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। और ज्योतिष शास्त्र कहता है, जो कि मंगल बुध का शत्रु माना गया, और ऐसे में शत्रु के घर में जाकर बुध ग्रह किस प्रकार आपके सुख समृद्धि में, आपकी विद्या में, आपके धन धान्य में कमी कर सकते हैं, किस तरह का प्रभाव अब बुध के इस गोचर में हमें और आपको देखने को मिल सकता है, आज यही हम जानेंगे। मैं जी मैं जी सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, बुध जो कि मैं अपने दर्शकों को बता चुकी हूँ, बुद्धि धन धान्य ज्ञान के मालिक कहे गए हैं, ग्रहों के राजकुमार हैं, क्या लगता है शत्रु के घर में जाना बुध का कैसा प्रभाव लेके आएगा? देखिए, उससे ज़्यादा कविता इंपॉर्टेंट चीज बतानी है दर्शकों को, जरूरी है कि अभी तक जो है बुध जो है नीच के चल रहे थे, क्या ये अच्छा माना जाता है? लेकिन नीच का अगर कोई भी ग्रह है तो वो सबसे खराब फल देता है। ओके। अगर कोई ग्रह शत्रु राशि में बैठता है तो निश्चित रूप से उसके फलों में थोड़ा देरी होती है, यानी कि शुभ फल देने में थोड़ा देरी से देगा, थोड़ी मुश्किल के साथ चीजें सही होती हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वो अपना शुभ फल देने में सक्षम नहीं होता, और अधिकतर राशियों का इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन जब हो जाएगा 8 अप्रैल को, ये जो है सभी राशियों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। कुछ राशियों को इसमें ज्यादा लाभ मिलेगा, कुछ राशियों को थोड़ी परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन उनको भी कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बुध जो है हालांकि शत्रु के घर में रहेंगे, थोड़ा मुश्किल के साथ चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन नीच के हटने से बहुत ही बेहतर स्थिति में यहाँ बुध रहेंगे। और बुध जैसे आपने बताया कि धन धान्य का कारक है, व्यापार का कारक है, बुद्धि का कारक है, आप कितने वाक पटुता में माहिर है ये आपकी कुंडली में बुध की स्थिति तय करती है। अगर बुध आपका उच्च का है, स्वराशि का है, तो आप वाक पटुता में माहिर होंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप बड़े व्यापारी बन सकते हैं। और बुध जिनका मजबूत होता है कविता जी, वो लोग मैनेजमेंट में बहुत आगे जाते हैं, और अच्छे मतलब कहना चाहिए एक सलाहकार भी होते हैं, और बहुत अच्छे CA भी होते हैं। बुध जो है ज्योतिष का कारक भी है, गणित का कारक भी है, ऐसे व्यक्ति गणित में रुचि रखते हैं और ज्योतिष में भी उनका रुझान रहता है, बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं। तो वाणी विद्या आपके धन धान्य के सबसे बड़े कारक बुध ग्रह किस प्रकार अपने इस गोचर में आप लोगों के दिन बदल सकते हैं, राशि अनुसार हम जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। देखिए, मेष राशि वालों के लगन में ही बुध आएंगे तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, धन धान्य के लिए इनके अच्छा रहेगा, इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए तो गोचर बहुत ही शानदार है। वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो इनकी राशि से 12वें भाव में जा रहा है, जो कि थोड़ा शुभ संकेत नहीं है, खासकर धन के दृष्टिकोण से। धन का कहीं निवेश ना करें, क्योंकि इस दौरान, इस 20-22 दिनों के दौरान धन हानि होने की आशंका बनी हुई है। किसी भी कार्य में परिवर्तन ना करें आप, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, सोच समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और अपनी सेहत का ध्यान रखें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए लाभ स्थान में योग बन रहा है, तो मिथुन राशि वालों को जबरदस्त धन लाभ के योग बनेंगे। और देखिए, आपकी राशि के स्वामी भी बुध हैं, और वो जब लाभ स्थान में गएंगे तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जो व्यापारी हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा, नौकरी पेशा लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा, मीडिया से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध जो है संचार का कारक है। सोशल मीडिया जो आजकल कविता जी आप देख रहे हैं, उसका संचालन बुध ही करते हैं। अगर बुध आपका मजबूत है तो सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को इस समय बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, संतान की तरक्की होगी और धन धान्य की वृद्धि होगी। चलिए, अब तक हमने बात की मेष वृषभ मिथुन के बारे में, अब आगे बढ़ते जान लेते हैं कि कर्क राशि के लिए क्या कुछ है इस बुध के गोचर में। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए सुंदर राजयोग बना के बैठा है बुध यहाँ पर, दशम भाव में रहेंगे,
तो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे जी। कार्य क्षेत्र में जो अड़चने, भाग्य में जो अड़चने अभी तक कर्क राशि वालों की आ रही थी, यहाँ पर जो है बुध आपके सारे कार्य अकेले संपन्न कराएंगे। आने वाले 20-25 दिनों में रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, नौकरी व्यवसाय में तरक्की होगी, प्रमोशन की संभावनाएं बनती हैं, नए कार्य की शुरुआत यहाँ बुध कराएंगे जी। और साथ ही साथ अगर आप बेरोजगार हैं तो यहाँ रोजगार भी मिलेगा, सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे, यानी कि वाहन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। ये तो आपने बात की कर्क राशि वालों के बारे में, सिंह राशि के लिए कैसा है? सिंह राशि वालों की भाग्य की मजबूती होती भी नजर आ रही है। अभी तक सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा था जी। तो अब उनका भाग्य भी उदय होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, नौकरी व्यवसाय में भी तरक्की होगी। कन्या राशि के बारे में जाने तो? कन्या राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी होकर बुध जो है अष्टम भाव में बैठेंगे। सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी राशि को है तो वो कन्या राशि वालों को ही थोड़ा करनी चाहिए। इनको खासकर अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, धन किसी को उधार ना दें या आप पैसा कोई शेयर मार्केट में या किसी ऐसी जगह ना लगाएं, अन्यथा चाहे आप छोटी रकम लगाएं या बड़ी लगाएं वो नुकसान हो सकता है। तो सोच समझ कर चलेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर रहेगा। मैं जी, मैं तुला राशि वालों के बारे में जानना चाहूंगी, ये आने वाले 28 दिन बुध के गोचर के चलते इनके लिए कैसे हैं? देखिए, तुला राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन यहाँ साथ साथ देखेंगे खर्च भी आपके इस समय बढ़े हुए नजर आएंगे। ओवरऑल कार्य व्यवसाय के लिए, धन लाभ के लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो? वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय जो है थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, यहाँ आपको सेहत संबंधी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, खर्च यहाँ बढ़ जाएंगे, हो सकता है कि इस समय बीमारी पर ज़्यादा पैसा खर्च हो, आप या आपके घर में आपके जो भाई बहन हैं उनकी सेहत पे भी खराब हो सकती है, तो उसके ऊपर भी धन का व्यय हो सकता है। फिजूल खर्ची में, भोग विलासता में ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ धन का व्यय होगा, तो मेरी सलाह यह है कि सोच समझ कर यहाँ आप चलें, अपना बजट बनाएं, अन्यथा आपका बजट बिगड़ भी सकता है और किसी भी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से भी बचना चाहिए। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए गोचर बहुत ही शानदार रहेगा, आपकी संतान की तरक्की होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी और धन लाभ के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बुध जैसे बुद्धि का कारक है जी। और आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठा है तो बहुत ही सुंदर ये योग छात्रों के लिए है। अगर आप इस समय किसी पढ़ाई की शुरुआत करना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, वाहन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप घर लेने की प्लानिंग कर रहे थे या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो बहुत ही उत्तम समय है। बुध यहाँ संचार के माध्यम से आपको कोई खुशखबरी भी देंगे और जो लोग पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ेंगी, कोई ऐसा काम आप करेंगे जो कहना चाहिए बहुत ही यादगार साबित होगा। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या अगर आप पत्रकार हैं तो आप कोई ऐसी स्टोरी करेंगे जो बहुत ज़बरदस्त हिट हो, जिससे आपको लोकप्रियता काफ़ी बढ़ेगी। तो मकर राशि वालों के लिए तकरीबन 24-25 दिन जो है बहुत ही शानदार है, अगर आप मीडिया क्षेत्र में काम करते हैं, डिजिटल मीडिया में या सोशल मीडिया में। कुंभ राशि वालों के बारे में बताइए। कुंभ राशि वालों के पराक्रम में यहाँ वृद्धि होगी, धन लाभ के योग बनेंगे, भाग्य भी आपका साथ देगा और सुख साधन भी आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, नई नौकरी के योग भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खर्चों पर थोड़ा अंकुश लगाएं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं जी, मीन राशि। मीन राशि वालों, ये आपके लिए वाणी स्थान पर बुध बैठे हैं, बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, धन लाभ के योग बनेंगे, जो लोग वाणी से संबंधित किसी भी कार्य में जुड़े हैं उनको इस समय विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप सलाहकार हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर कहें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप अगर वाणिज्य विभाग में हैं, वाणिज्य से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से जी। या अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपका वैवाहिक जीवन भी यहाँ अच्छा रहेगा और जीवन साथी की भी तरक्की होगी। चलिए मैं जी, से हमने जाना है कि किस प्रकार से बुध का ये गोचर आने वाले 28 दिनों में आपके दिन बदल सकता है, कैसा प्रभाव रहेगा, जाते जाते किस प्रकार आप बुध को अपने जीवन में कैसे मजबूत कर सकते हैं, आइए जानते हैं कुछ छोटे मोटे उपाय। देखिए, बुध अगर आपके कुंडली में नीच के होके बैठे हैं या बुध अस्त है कुंडली में और बुध योग कारक होके बैठे हैं तो आपको निश्चित रूप से पन्ना धारण करना चाहिए जी। तो बुध के शुभ फल मिलेंगे और खासकर अगर आप व्यापारी हों, आप सलाहकार हों, आपका कार्य जो है वाणी से संबंधित है, आप पत्रकार हैं, तो निश्चित रूप से पन्ना धारण कर लेना चाहिए, विशेष लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन आपको गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए मंदिर में जाकर, विशेष लाभ मिलेगा। गणपति जी की आराधना करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, जिससे आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और बुधवार के दिन हरी मूंग का दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिलाइए,
हरी वस्तुओं का दान करना, हर एक वस्त्र का ध्यान करना विशेषकर आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। चलिए इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।